आज फिर से लेकर आया हूँ क्लास 12 एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3x/1 + 2x^4। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो स्वागत है आप सभी का अपना चैनल बिशु एकेडमी में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3x/1 + 2x^4। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x^4। 2x^4 के जगह पे क्या मैं लिख सकता हूँ, √2x² का होल स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ 2x^4 = √2x² का होल स्क्वायर। फिर वही होगा, इसका 2 हो जाएगा, एड x^4 हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या हो गया, 3x/1। अब इसके जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, √2x² का होल स्क्वायर। अब इसके जगह पे हम लोग ये लिख दिए। अब यहाँ पे लेट √2x² को मानेंगे टी, हम लोग लेट यहाँ √2x² को मानेंगे टी। अब दोनों साइड डेरिवेटिव कर देंगे, √2 तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, पावर आ गया जाता है और एक पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो x होगा। अब x के टर्म में है तो dx होगा, इधर t है तो dt होगा। तो क्या अब dx की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, dx की जगह पे यहाँ पे dt अपॉन ये जो 2√2x है इसको अपॉन में जाएगा, ये 2√2 है ये अपॉन में जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाता है तो अपॉन में जाएगा। तो क्या होगा, 2√2x dx के आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2√2x dx = dt। अब इसको इधर भेजेंगे तो अपॉन में जाएगा, तो ये अपॉन में आ गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो i = √3x/, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका करेंगे तो 1+। अब इसको क्या माने थे, √2x² को क्या माने थे, t square। अब t के टर्म में आया तो dx की जगह पे क्या लिखेंगे, dt/√2x, dt/√2x। अब यहां x कट जाएगा, बचेगा क्या, 3/√2, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, तो i = √3/√2 (1/1+t²dt). ये बचा, क्या बचा, i = √3/√2 (1/1+t²dt). 1/1+t² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan इनवर्स t होता है। तो आइए लिखते हैं, तो i = क्या है, 3/2√2। यहाँ पे इसके जगह पे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स t, और साथ में कॉस्टेंट जुड़ जाता है c। अब यहाँ t का वैल्यू रख देंगे, i = 3/2√2 tan इनवर्स। अब t का वैल्यू क्या है, √2x² और साथ में c, ये आ गया आंसर। अगर वीडियो समझ में आई होगी तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हाँ, अगर क्वेश्चन डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।